अगर आपके पास समय कम है और आप कुछ मीठा बनाना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस तरह की बर्फी बना सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही कुछ भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तुरंत आप सामान लाइए, कुछ थोड़ा सामान लाइए और उससे ही आपकी इजीली बर्फी बन जाएगी। देखिए, मैंने लौकी की बर्फी बनाई है, जिसके लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि पहले से ही मावा निकाल कर रखा हो, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। तो देखिए, मैंने लौकी ले ली है, लौकी को छीलकर धोकर रख लिया है, और उसके बाद मैंने कद्दूकस में कस ली है। कद्दूकस करने के बाद हम इसका पानी सारा निकाल देंगे, लौकी का जितना भी एक्स्ट्रा पानी था उसको निकाल कर हम अच्छे से रख लेंगे। देखिए, रखने के बाद हम कढ़ाई रखेंगे गैस पर। कढ़ाई का गैस का फ्लेम लो ही रखिए, लो करने से ऐसा होगा हमारी लौकी जलेगी नहीं। देखिए, हमने गैस पर कढ़ाई रख लिया और उसमें डाला है 2 चम्मच घी। मैंने देसी घी यूज किया है, आप किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं। देखिए, घी डालने के बाद हम इसमें जो हमने पानी निकाली हुई लौकी रखी थी वो उसको ऐड करेंगे। लौकी डालने के बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे, तब तक चलाते रहिए जब तक इसका पानी सूख ना जाए। पानी सूखने के बाद हम 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे अच्छे से। ढककर पकाने की रीज़न ये है कि जिससे हमारी लौकी सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने के बाद हम फिर देखेंगे पकी है या नहीं। देखिए, हमारी लौकी में अभी थोड़ा टाइम था, इसलिए अच्छे से चलाई है मैंने। चलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे शुगर। देखिए, मैंने एक कटोरी शुगर ली थी, मैंने डाल दिया, और इसके बाद हम डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे। चलाते रहिए, तब तक चलाते रहे जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए। देखिए, मैंने इसके बाद मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाले थे, जो मैं आपको बताना भूल गई। देखिए, आप हर तरह के ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, और कद्दूकस किया हुआ नारियल भी डाल सकते हैं। नारियल को आप मिक्सी में पीस कर डालेंगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा बारीक हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। देखिए, मैंने सब चीज़ें डाल दिया, और इसमें बाद में डाला है थोड़ा सा घी। घी डालने के बाद हम और अच्छे से पकाएंगे, तब तक पकाते रहिए जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए, थिक ना हो जाए। देख लीजिए जी, आप खुद ही देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, और ये जमने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने एक प्लेट में साइड में घी लगा लिया था प्लेट में, और हम इसको अच्छे से प्रेस करके किसी चम्मच की सहायता से रख लेंगे। प्लेट में अच्छे से घी लगाकर अच्छे से हम फैला देंगे, और फैलाने के बाद हम इसमें इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। जो भी आपको अच्छे लगे वो आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स पीसे हुए रखे थे, पीस कर रख लिए थे मैंने मिक्सी जार में को, वे डाल रही हूँ मैं इसमें। और मैंने कुछ बीज ऐड किए हैं, देखिए डाल दिए, और इसको हम 2-3 घंटे के लिए रख कर छोड़ देंगे ठंडा होने तक। ठंडा होने के बाद इसके पीसीस काट लेंगे आप अच्छे से, और पीसीस काटने के बाद आपकी बर्फी बनकर तैयार है। जल्दी बर्फी बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। देखिए, इस तरीके से बर्फी बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगी आपकी बर्फी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे फिर फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन।